Assalamu alaikum and guten tag from Germany. Welcome to my YouTube channel. I hope you people are doing well और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत मज़े और सुकून से गुजर रही होगी. आज की मेरी वीडियो करियर एंड काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसमें मैं आज जर्मनी में मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगी. बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को स्टडी किया जाता है, जिसका स्कोप ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल फील्ड में है बल्कि एग्रीकल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे फील्ड भी बायोटेक्नोलॉजी पर ही मुनहसर हैं. आज की वीडियो में मैं ऐसे तीन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करूंगी जहां पे बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री ऑफ़र की जा रही है. इन यूनिवर्सिटीज़ की खास बात यह है कि इनमें ना तो जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है और ना ही इन यूनिवर्सिटीज़ में कोई ट्यूशन फ़ी है. तो चलें जी, चलते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट की तरफ. लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले बात करूंगी मास्टर्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो अंसबाख यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में ऑफ़र किया जा रहा है. ये डिग्री फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंडर ऑफ़र की जा रही है, जिसके कोर्स आउटलाइन में बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोटीन प्योरिफिकेशन, सेल बायोलॉजी, बायो इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी असेसमेंट जैसे टॉपिक शामिल हैं. अगर इसकी डेडलाइन की बात करूं तो ये डिग्री दोनों सेमेस्टर्स में ऑफर की जा रही है, जिसमें विंटर सेमेस्टर की एप्लीकेशन डेडलाइन 2 मई से 31 मई तक है, जबकि समर सेमेस्टर की डेडलाइन 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक है. इसके अलावा इस डिग्री में एडमिशन के लिए एकेडमिक डिग्री की बात की जाए तो इस डिग्री में आने के लिए आपके पास बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी, बायो इकोनॉमी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री विद फोकस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोलॉजी विद बेसिक प्रोसेस इंजीनियरिंग जैसी डिग्री ज़रूरी हैं. इस डिग्री की एप्लीकेशन के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. आई होप इट विल बी हेल्पफुल. नंबर 2 पर शामिल करूंगी ब्रांडनबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कॉटबुस ज़ेफ्टनबर्ग को, जहां पे बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर की जा रही है. इस डिग्री में एडमिशन के लिए आपके पास बैचलर्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग या इससे रिलेटेड फील्ड की डिग्री होना ज़रूरी है. लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो इस डिग्री के लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शो करने के लिए आइल्स 6 बैंड के साथ शो करना होगा या 79 पॉइंट्स के साथ टॉफल का एग्ज़ाम. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनि असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना लाजमी है. इस डिग्री की डेडलाइन और मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. नंबर 3 पे शामिल करूंगी यूस्टस लीप्सिश यूनिवर्सिटी गीसन को, जहां पे मास्टर्स इन एग्रो बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री ऑफर की जा रही है. ये डिग्री सिर्फ विंटर सेमेस्टर में ऑफर की जा रही है, जहां पे नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए डेडलाइन 1 मई से लेकर 15 जून तक है और ये एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई की जा सकती है. इस डिग्री के प्रीरिक्विजिट्स में बैचलर्स इन एग्रीकल्चर साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोलॉजी और इनसे रिलेटेड फील्ड शामिल हैं. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को शो करने के लिए आपके पास आइल्स का मिनिमम बैंड 7 ज़रूरी है या टॉफल एग्ज़ाम में 95 पॉइंट्स. इस डिग्री की जनरल रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ. आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. ये तो थी जी वो यूनिवर्सिटीज़ जो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में मास्टर्स ऑफ़र कर रही हैं. बेशक इन कोर्सेज के लिए जर्मन लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप जर्मन लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज ज़रूर हासिल करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये काफ़ी काम आएगी, स्पेशली अगर आप इधर डिग्री के बाद जॉब भी हासिल करना चाहते हैं. Please give your valuable feedback in the comment section below and don't forget to subscribe my channel. Inshallah, mulaqat hoti hai next video mein. Tab tak ke liye, Allah Hafiz.